नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आप जब किसी दुकान में गए हो या जाते हो तो जरूर आपको वो दुकान वाला, अगर बनिया होगा, चतुर जो दुकान वाले हैं, वो आपको जरूर चाय पानी या शरबत के लिए पूछते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है शायद उस दुकान वाले को भी नहीं मालूम, लेकिन उसको पिलाने से सामने वाले के मन मस्तिष्क में जो परिवर्तन होता है उसने देखा है, जाना और महसूस किया। इसीलिए अक्सर दुकान में जो चतुर दुकान है, जो इस स्थिति को समझता है, वो जरूर शीतल पानी पिलाएगा या चाय पिलाएगा या दूध पिलाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, आयुर्वेद क्या बोलता है? भाई ये जो भी है ये आयुर्वेद का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और अपने जीवन में इसको आप व्यवहार में उतारिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो क्या है इसके पीछे का रीजन? आपके घर में कोई स्त्रियां हैं, जब आप घर में जाते हो ना शाम को या कभी भी दिन में काम करके थका हारा पसीना को पहुंचते हुए, तो आपकी स्त्रियां क्या करती है? सबसे पहले आपको कुर्सी में बिठाएगी, सोफे में बिठाएगी और पूछेगी आपने पानी पीना है, या आपको वैसे ही पानी पिलाएगी, चाय दूध जो आपका आदत है, जो आपको पसंद है, वो उसको सबसे पहले देगी। उसके पीछे का कारण शायद उस माता को नहीं मालूम, शायद जो आप पी रहे हो आपको भी नहीं मालूम, लेकिन उसका रीजन, उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है वो कारण? आयुर्वेद का जो एक छोटा सा एक उक्ति है, ये एक युक्ति है, इसको अक्सर लगाते। एक्चुअली मात पीत गुरु हरि के बानी, बिनहि विचार करिए सुभ जानी, ये एक कहावत है। महाजनो ये न गता सपंथ, अपने से बड़े लोगों ने जो चीज को किया है हम वो चीज को बिनहि विचार, बिन उसके कारण को समझे भी हम करते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है उस चीज को करने से जिसको हमारे माता पिता ने किया, हमारे गुरुओं ने किया, हमारे ग्रंथों में बताया है कि लोगों को पानी पिलानी चाहिए। जो पथिक है, जो रास्ते में चलते हुए आते हैं, उनको शरबत पिलानी चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? शारीरिक जो शरीर में जो उसका क्या प्रतिक्रिया होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने आयुर्वेद ज्यादा सीखा नहीं है और नहीं जिया है, लेकिन उसका बहुत बड़ा शरीर में काम होता है। और किस वजह से होता है, क्या है इसका रीजन, बस इसी को बड़ी ध्यान से सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जीवन में इसको उतारिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, इंसान के शरीर में जो कुछ भी हम खाते तो सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। रस धातु जो है उसका मूल स्थान है हमारा हृदय, जहां पर पहले से प्राण वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, मन वह स्रोतस, तीन जो रास्ते है ना, जैसे हम कहते हैं ना केदार कुल्य न्याया, तीन रास्तों का मुख्य स्थान है हमारा हार्ट यानी हृदय। उस हृदय में विविध प्रकार के विचित्र व्यवहार जो होगा, मनोभाव जो होंगे, उसी हृदय में होंगे, क्योंकि मन का यह निवास स्थान है। और वहीं पर अगर रस का कमी होगा आपके शरीर में, रस धातु का, तो उस रस धातु का जो प्रभाव है आपके हृदय में पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर तो जाकर के उसने अपने गियर बदलना है या स्टार्ट होना है। तो वहीं पर मनोवह स्रोतस है, वहीं प्राण वह स्रोतस है। तो चिड़चिड़ा होना क्योंकि मन का काम है, गुस्सा होना क्योंकि मन का काम है, बुद्धि का खराब होना यह क्योंकि मन का काम है। तो मन से संबंधित जितने भी काम है वो सभी आपके उसे रस वह स्रोतस यानी कि शरीर में पानी की कमी होने से, रस धातु की कमी के वजह से हो सकता है। यानी कि इधर पानी पिया और उधर मन वह स्रोतस संतुष्ट हुआ, क्योंकि दोनों का निवास स्थान एक ही जगह है। यहां पर क्लेद कफ, यहाँ पर ब्यान वायु और यहाँ पर साधक पित्त का भी निवास है। तो साधक पित्त इंसान के मन को साधन की ओर प्रवृत्त करता है, साधक पित्त के हालांकि बहुत सारे और भी काम है। ब्यान वायु इंसान को एक तरह से मूवमेंट करता है। तो इन सभी का जो एक पुंज निवास स्थान हार्ट है यानी हृदय है।
यानी कि आपने एक कप पानी पिया और उसका जो सार्वभौम जो प्रभाव है आपके हृदय में पड़ेगा और वहां से आपका मन भी संतुष्ट होगा, प्राण वह स्रोतस अगर खुश होगा, अगर ठीक होगा तो हृदय से लेकर के आंख से देखना, मुंह से खाना, कान से सुनना, दिमाग से सोचना, सारी चीजें इमीडिएटली कार्य करना शुरू करेगा। आप देखो वो दुकान वाला जो पानी पी रहा है, जो पिला रहा है, और बंदा सामने वाला पी रहा है, उसमें क्या होगा? देखो वो जो बंदा उसके दुकान में आया कुछ भी खरीदने, मान लीजिए कि वो मोबाइल खरीदने आया, अब दुकान वाला ने अच्छा मोबाइल तो दिखाने वाला है, लेकिन कहीं ये सोचता भी है कि भाई मैं इसको इस मोबाइल के बारे में समझाऊं कि इसमें क्या क्या खूबियां हैं, लेकिन क्या समझने के लिए इसका दिमाग उतना योग्य है? तो वो सोचेगा भाई देखिए पहले शरीर पसीना पसीना शरीर है, कपड़े पूरा गीला गीला सा है, यानी शरीर में पानी की कमी है। तो मैंने कहा यानी कि इसके शरीर में रस की कमी है, रस का क्षय होने के वजह से इसके अब मन भी विचलित हुआ होगा, प्राण व स्रोतस भी खराब हुआ होगा, मनो व स्रोतस भी खराब है, वहां का क्लेद कफ में भी विचलित, इन सभी के वजह से इसके बुद्धि में भी विकृति आई होगी, मन भी चंचल हुआ होगा, यानी कि पूर्णतया यह व्यक्ति मेरे इस प्रोडक्ट के जो अच्छी चीज है उसको सुनने और समझने में असमर्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक कप शरबत या एक कप चाय या पानी जरूर पिलाएंगे। उसको पीने के बाद उसके शरीर में जो रस की कमी था, देखो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ सोचता है ये, लेकिन हमें नहीं मालूम। तो पानी को पीने से उसका शरीर में जो रस की क्षय के वजह से या विविध जो बवंडर जो मचा हुआ था मन में, है ना, किसी चीज को सुनना। आप देखो घर में अगर बंदा आता है ना, घर में आपका, आप अगर आप स्त्री होगा, आपके पति शाम को थका हारा तो खूब चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा खूब करेगा, उसका मन टिकेगा नहीं, कभी इधर बच्चों को थप्पड़ मारे, कभी माँ बाप को कुछ समझाए, कभी बीबी से कुछ लड़ाई करे, तो बीबी भी उसको फिर पानी चाय या कुछ ऐसे पिला करके उसको ठीक करती है, शांत करती है। वो शांत कैसे हुआ? क्योंकि उसके शरीर में जो रस है उसकी क्षय हो गया था, यानी कमी हो गया था, अब इसको पीने से पूर्ति होगा। तो जैसे ही पानी पिलाएगा वैसे रस की आपूर्ति होगी शरीर में, तो मन भी, क्योंकि मनोवस्त्र उसके हृदय में जाकर के बहुत कुछ अच्छा कार्य होगा, उसके बाद बस ठंडा हो गया बंदा, है ना, नॉर्मल स्थिति में आ गया। तो ये स्त्रियां बड़ी उक्ति लगा करके चतुराई से अपने पति को अपने बस में करती है। ऐसे ही वह दुकान वाला भी पहले एक कप पानी पिलाएगा, चाय या शरबत पिला करके। अगर आप भी दुकान खोल के बैठे और आपके आसपास आपके दुकान में कोई आ गया और आपको लगा कि यार इसको तो मैंने प्रोडक्ट को बेचना ही है, तो जरूर इस युक्ति को एक बार आप लगाओ, सर एक कप चाय तो बनता है भैया, पानी पिए बगैर आपको हमने जाने नहीं देना, मेरा सामान खरीदो ना खरीदो, पानी पिलाएंगे ना, तो उसके मन में दो बातें होंगे, एक तो आपके प्रति उसकी सहानुभूति खूब होगा, वाह जी वाह दुकान वाला बहुत अच्छा है, दूसरा पानी जब उसके शरीर में जाएगा तो जो रस वह स्रोतस उसको मजबूत करेगा, संतुष्ट करेगा, उसकी कमी का वह पूर्ति करेगा, उससे उसके मनो वह स्रोतस, उसके प्राण वह स्रोतस, यह सभी इमीडिएटली खुश होगा, ठीक होगा, उसका दिमाग सही ठिकाने में आएगा। अब उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना शुरू करेंगे तो वो समझ में उसको आएगा। तो दोस्तों हमारे यहां पर निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसे तैयार किया है। निर्जला एकादशी गर्मी के दिनों में इसको दिया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि पथिक जो रास्ते में चलने वाला जो आदमी है वो बेचारा रस अक्षय के कारण से विचलित होगा, प्रसन्न उसके चंचल मन है ना, थका हारा सा उसको कई सारे, क्योंकि मन विकृति अवस्था में आने से बहुत सारी चीजें होता है, तो रस के क्षय के वजह से इमीडिएटली आपके अंदर मन में विचलितपन उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी शांति के लिए निर्जला एकादशी में पानी पिलाने का प्रचलन है। पूर्व समय में पिपल के वृक्ष और उस वृक्ष के नीचे मिट्टी का गड़ा, उस गड़ा में शीतल पानी और उसके ऊपर ढक्कन, उसके ऊपर गुड़ रखा जाता था। तो ये सभी रस व स्रोतस को संतुलित करने का एक बहुत बड़ा अवधारणा था जो हमारे पूर्व आचार्यों ने इसका निर्माण किया था। धीरे धीरे समय में परिवर्तन आया, धीरे धीरे हमारी जो आदतें वो पता नहीं बिगड़ता गया कहूं या बनता गया कहूं, तो कुछ चीजें तो जरूर अच्छे होते हुए आया, लेकिन कुछ चीजें
बिगड़ता भी गया। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही अवधारणा था या एक यही विचार था कि मैं आपको यह समझाऊं कि अक्सर घर में स्त्रियां पुरुष को जो पानी पिलाती है, शरबत ऐसा कुछ देती है, उसके पीछे शरीर में वो जाकर के कहां पर काम करता है और उसको बेनिफिट किस तरह से दिखता है, बस यही समझाना था। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हो, बिल्कुल पहली बार आए हो, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। मैंने इस वीडियो में एक अति दुर्लभ नॉलेज नाड़ी परीक्षण का मैंने यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बना करके 35 से लेकर 40 वीडियो मैंने वहां पर डाला है, उसको ध्यान से सुनिए। नाड़ी परीक्षण बहुत सरल एक प्रोसेस है, एक नॉलेज है, एक विज्ञान है, इसको आप देखिए, जितना आपको समझ में आता है उसको सीखिए। और उसके बाद कुछ इस तरह के छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का प्रयास कीजिए और जीने का भी प्रयास कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। मेरा एक आपसे गुजारिश है, अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो पानी पिलाने वाला यह जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में हृदय व्याधि, हृदय में होने वाले विविध प्रकार के जो जो समस्या है, उसका कारण क्या है, किस वजह से होता है और उसकी संप्राप्ति क्या क्या होंगे और उसका इलाज क्या होगा, वो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी का स्टोन या विविध प्रकार के वीडियो मैंने बहुत सारे डाला है, उन सभी वीडियो को आप जाइए देखिए। और मेरा जो वीडियो है, अक्सर मैं अपने गुरुओं के द्वारा प्रदत्त जो नॉलेज है उसको भी थोड़ा सा परिष्कृत करके समय के साथ में बना करके आपको बताने और समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो कुल मिलाकर के अगर आप आयुर्वेदिक दवाई खाते हो और साथ साथ में आयुर्वेदिक तरीका से जीवन जीते हो, समझते हुए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई पानी पीने के पीछे का रीजन क्या है, तो समझते हुए अगर आप जीवन को जियोगे तो जरूर आप एक लंबे समय तक आप जी पाएंगे, आपका जीवन होगा और धन्वंतरी भगवान की बड़ी अपार आपके ऊपर कृपा होगी। आज मुझे दीजिए विदा, जय श्री राम।